एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की मेरी वीडियो आप लोगों ने टाइटल से तो देख ही लिया होगा किस चीज के ऊपर है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिव्यू अबाउट न्यूली लॉन्च स्टिक्स जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। ये है जैकलिन यूएसए मैट स्टिक वेलवेट मैट लिपस्टिक्स। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। मुझे नहीं पता ऐसा चाहिए कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है ब्रांड, बट इस ब्रांड के जो है कुछ और प्रोडक्ट्स भी आते हैं वो मैंने देखा है यूट्यूब पर। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दीज लिपस्टिक्स आउट फ्रॉम दिस ब्रांड। सो या गाइज, अगर आप लोग भी मेरी तरह लिपस्टिक्स को पसंद करते हो एंड यू आर अ लिपस्टिक लवर जस्ट लाइक मी, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच फॉर यू। सो लेट्स जस्ट बिगिन एंड सी द रिव्यू ऑफ दीज लिपस्टिक्स। मैंने जो है तीन ही परचेज किए हैं बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्राइंग दीज लिपस्टिक्स। तो मुझे नहीं पता था कि कैसा इनका फॉर्मूला होगा और आई डिडंट वॉन्ट टू टेक रिस्क। सो दैट इज वाई मैंने जो है इसमें से तीन शेड्स परचेज किए हैं जो कि थोड़े डिफरेंट कलर रेंज में फॉल करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये कलर्स अच्छे लगेंगे और आप लोग के लिए भी काफी वेयरेबल होंगे। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी इनकी पैकेजिंग जो है काफी डिफरेंट है। इस तरह की होती है इसकी पैकेजिंग। कोई भी आउटर बॉक्स नहीं आता है इसमें। इसमें प्लास्टिक की फिल्म लगी होती है जैसी अभी आपको दिख भी रही होगी। तो इनकी कैप्स पे जो है इस तरह के ट्रांसपेरेंट कैप है, उस पर पोलका डॉट जैसा जो है यहाँ पर पैटर्न बना होता है, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी नॉर्मल प्लास्टिक की जो है इसकी बॉटल है। इस पे जो है इस तरह से लिखा हुआ है जैकलिन मैट स्टिक वेलवेट मैट लिपस्टिक। नथिंग टू फैंसी, बट थोड़ी सी डिफरेंट है पैकेजिंग बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा कम स्पेस कंज्यूम करेगी आपके बैग्स, हैंड बैग्स वगैरह में। पैकेजिंग यही थी, इसमें प्लास्टिक फिल्म थी उस जिसके ऊपर जो है इस तरह का एक स्टिकर था। मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का एक स्टिकर था जिसपे इसका जो है नेम लिखा होता है प्लस MRP लिखा था, वो सब चीज़ें इस पर मेंशन थी। इसकी शेड नंबर की उसके डिटेल्स कहाँ पर हैं। तो इनके बॉटम पे जो है लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके नीचे जो है आपको इस ब्रांड का नेम लिखा हुआ मिलता है प्लस इसका कोड, इसका नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका प्राइस, यूज बिफोर डेट भी है विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट गाइज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इन लिपस्टिक्स पे जो है इनके इंग्रेडिएंट्स कहीं पर भी मेंशन नहीं है। जो है मेरी तरह उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करते हो जिन पे जो है इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। सो आई थिंक दीज लिपस्टिक्स आर नॉट समथिंग विच यू विल लाइक। बुलेट फॉर्म में आती है, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको जो मिलता है फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद तो इतना ही आपको प्रोडक्ट जो है मिलता है। जहां तक इसकी नेट वेट की बात है वो है 2.10 grams आपको प्रोडक्ट मिलता है इन लिपस्टिक्स में। एंड दीज लिपस्टिक्स रिटेल फॉर ₹325। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं इन तीनों ही शेड्स के स्वॉचेस। शेड जो था समर पिंक शेड था जो कि मैंने आपको लगा के दिखाया था। एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ऑन माय हैंड। ये जो है बहुत ही समरिश कोरल ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ पिंक कलर है। बहुत ही परफेक्ट कलर है अगर आप ऑफिस जाते हो या आपको कुछ लाइट कॉलेज, इवन कॉलेज गर्ल्स के लिए भी अगर आप इस तरह के जो है लाइट शेड्स प्रेफर करते हो तो दिस शेड इज वेरी नाइस। सेकेंड शेड जो मैंने आपको स्वॉच करके दिखाया है वो है मॉविश फैंटेसी। नाउ मॉव सॉर्ट ऑफ कलर्स बहुत लोगों को पसंद आता है इंक्लूडिंग मी, तो मुझे ये शेड तो लेना ही था। एंड ये बहुत ही प्यारा पर्पल मॉव सॉर्ट ऑफ कलर है, आप देख सकते हो। ये कलर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा फेयर टू व्हीटिश स्किन टोन पे और डार्क स्किन टोन्स पे। प्रॉपर जो है एक बहुत ही प्यारा एवरीडे काइंड ऑफ न्यूड कलर जो है लगेगा। थर्ड शेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो बॉस गर्ल, कलर थोड़ा सा डार्क होगा बट कुछ एक्सट्रीमली डार्क नहीं है। जो प्रॉपर एक मेजेंटा रानी पिंक कलर होता है, मैं वो सोच रही थी इस कलर को ही, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं है। बट
काफी अच्छा लगा मुझे। फेयर टू बीटर स्किन टोन पे तो अच्छा लगेगा ही, इवन ये कलर जो है ये डार्क स्किन टोन पे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तीनों ही शेड्स मुझे डिफरेंट लगे और अच्छे लगे हैं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है मैट स्टिक, बट साथ में इन पे ये भी मेंशन है वेलवेट मैट लिपस्टिक। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है मैट बिल्कुल भी नहीं है, दीज डेफिनेटली डू ट्रांसफर। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, यू कैन सी ये ट्रांसफर होते हैं। ये प्रॉपर जो एकदम ड्राई फिनिश वाला मैट फॉर्मूला होता है वैसी लिपस्टिक्स नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होती हैं। मुझे इनका फॉर्मूला अच्छा लगा, बट अगर आप लोगों को मैट प्रॉपर मैट लिपस्टिक्स पसंद है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो ये लिपस्टिक्स तो डेफिनेटली वैसी नहीं है। बट आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद भी आ सकती है, बिकॉज ये बहुत कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को जो है सैटिन फिनिश बहुत पसंद होता है, मैट फिनिश पसंद नहीं होता, उन लोगों के लिए ये लिपस्टिक का फॉर्मूला इज जस्ट अमेजिंग। इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, जो नॉर्मल एक कोको फ्रेग्रेंस होती है बहुत ही हाई एंड लिपस्टिक्स में भी बिल्कुल वैसी स्मेल है। सो आई एम अज्यूमिंग कि इसमें अच्छे इन्ग्रीडियंट्स होंगे, बिकॉज मुझे इसको यूज़ करने के बाद कोई ऐसी इचीनेस इरीटेशन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लस इनको जो है हटाना काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा जो है ये पिगमेंटेशन लीव नहीं करती है आपके लिप्स पे। तो आई गेस इसमें इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कुछ ऐसा हार्श केमिकल्स नहीं है, बिकॉज पता चल जाता है आपको एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद कि उसकी क्वालिटी पुअर है कैसी है। आई थिंक 325 रुपीज़ के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और चीप लिपस्टिक्स जो होती हैं जो अननोन ब्रांड्स जैसी होती हैं वैसी तो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। तो मैंने इसे ट्राई किया अपने ऊपर, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बात। मैंने इस वक्त वेयर भी किया हुआ है इसमें से शेड बॉस गर्ल, अगर आप लोग सोच रहे हो तो। ऑल इन ऑल मुझे अच्छी लगी लिपस्टिक्स, काफ़ी कंफर्टेबल है। इनकी स्टेइंग पावर की जहाँ तक बात है, ये अगर आप कुछ खाते हो कुछ पियोगे तो ये ग्लास पे ट्रांसफर ज़रूर होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसको नॉर्मल वेयर करते हो किसी स्पेशल ओकेजन पे, या फिर आपको कुछ खाना पीना ज़्यादा नहीं है, तो ये डिसेंटली जो है रहती हैं आपके लिप्स पे। बट हाँ, ये जो है हट जाती हैं सेंटर्स में से अगर आप ज़्यादा खाते हो या कुछ ऑयली जो है फूड को खाते हो या कुछ ड्रिंक करते हो, तो इस सेंटर्स में से हटने लग जाती है। मुझे नया प्रोडक्ट दिखा ऑनलाइन तो मैंने इनको परचेज किया, बिकॉज मुझे पता है लिपस्टिक्स आप लोगों को बहुत पसंद है, मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत पसंद है। तो अगर मुझे कोई भी नया प्रोडक्ट दिखता है जो कि मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगेगा देखना जानना उनके बारे में, तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाती हूँ, यू ऑल नो दैट। तो मुझे ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचानी थी, सो इसी वजह से मैंने इनको परचेज किया, ट्राई किया खुद पर, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना रिव्यू। आई होप आपको जो है अच्छा लगा हो, एक नए ब्रांड के बारे में पता चला हो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। मैं मिलती हूँ जल्दी आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ, बाय बाय।